राज्यसभा का एक चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि क्या क्या गलतियां पार्टी कर सकती है, जरा उसका भी हिसाब लगाना चाहिए। अहमद पटेल कांग्रेस की तरफ से गुजरात के राज्यसभा चुनाव में जीत तो गए हैं, लेकिन इसका बड़ा बड़ा सबक है और दोनों के लिए है, कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए। अहमद पटेल 44 सीट से क्यों जीते? कांग्रेस के पास तो 57 विधायक थे। इसके अलावा अगर उनको जीपीपी, एनसीपी, जेडीयू के एक एक वोट मिले, ये तो दो वोट अगर चुनाव आयोग ने रद्द न किए होते तो ये 44 का आंकड़ा पा करके जीतना या कुछ और भी हो सकता था, बड़ी मुश्किल हो सकती थी। तो इसका श्रेय आप चुनाव आयोग को भी दे दीजिए कि उसने एक तत्काल फैसला किया, एक जरूरी और एक बड़ा फैसला किया। कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का एक्सपोजर है ये कि वाघेला को मना के आप अपने पास नहीं रख सकते, जबकि चुनाव सामने आने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव भी सामने आने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ छठी इनकम्बेंसी के कारण एक मजबूत तैयारी करनी चाहिए। वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था, इतना डर लग रहा था कि 44 विधायकों को लेकर के भागना पड़ा बेंगलोर में। और उधर बीजेपी के लिए क्या सबक है कि जहां विधायक भागे वहां पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, कई तरह की दूसरी कार्रवाइयां हुई, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में उनसे भी गलती हुई। अगर कांग्रेस को अहंकार इस बात का था कि कोई एमएलए आए जाए क्या फर्क पड़ता है, तो बीजेपी को अहंकार इस बात का था कि हम तो हर चीज जीतते हैं, हम तो निर्दयी हैं, कोई चीज को चांस पे छोड़ते ही नहीं, हमारे स्क्रिप्ट में कोई बदलाव कैसे आ सकता है। अब इसमें कोई बहुत बड़े अर्थ निकाले जाए, गुजरात विधानसभा के चुनाव में क्या हो जाएगा, बहुत जल्दबाजी होगी। सिर्फ इतना ही अर्थ निकालना चाहिए कि बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस को एरोगेंस में नहीं रहना चाहिए, कांग्रेस को ये नए पुराने का झगड़ा बंद करना चाहिए, कांग्रेस को ये खुशफहमी छोड़नी चाहिए कि अरे हमारी तो स्ट्रेटजी है, 19 छोड़िए, हम तो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तब तक तो पता नहीं आपके साथ क्या होगा। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की जो कोशिश बीजेपी की चल रही है उसमें बीजेपी को कांग्रेस तो पूरा साथ दे रही है, लेकिन ये चुनाव शायद एक डूबते को तिनके का सहारा है। जान बच गई है, जिसको कहते हैं जान बची तो लाखों पाए, वो एक मौका है कि दोबारा एक जोश के साथ ओल्ड गार्ड को साथ लेकर के कोशिश करें और कम से कम फाइट में तो आएं, ऐसे राज्य में फाइट में आएं जहां दोनों आमने सामने हैं, सीधा मुकाबला है, कोई तीसरी पार्टी नहीं है। इन सब में कई बार हम कहते हैं कि इस देश में इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा, रूल ऑफ लॉ का क्या होगा। एक खास बात यह है कि जब एक इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ और उसमें कांग्रेस के सारे नेता पहुंचे चुनाव आयोग, उसके बाद बीजेपी के नेता नहीं, सरकार के मंत्री पहुंचे, इतने मंत्रियों को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी, एक मंत्री भी जाता तो वही बात समझा देता, यहां संख्या बल या प्रतिनिधि मंडल के शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं थी, वहां चुनाव आयोग ने एक बड़ा जरूरी और पक्का फैसला किया। बीजेपी रणदीप सुरजेवाला को इसी प्रकार से एक बार इनवैलिड उनका चुनाव करा चुकी थी, इसलिए उनको ये पता था कि वोट का क्या महत्व होता है, एक एक वोट का क्या महत्व होता है, क्रॉस वोटिंग में क्या हो सकता है, इसके ये लोग मास्टर रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ने फोड़ने की एक बड़ी योजना पर काम करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी चूक हो गई और चुनाव आयोग ने एक और हमारा विश्वास बहाल किया, वो ये है कि जब कोई ऐसी बड़ी बात होती है, बड़ा मौका आता है, तो हमारी संस्थाएं लोकतंत्र की हिफाजत के लिए बड़े कदम उठाती हैं, तब ये देखना गौण हो जाता है कि कौन पॉलिटिकल अपॉइंटी है, किस सरकार के तहत कौन अपॉइंट हुआ है, इसका महत्व नहीं रहता। एक बात और है कि चूंकि बीजेपी के लिए गुजरात एक नाक का सवाल है, गुजराती अस्मिता पर चुनाव लड़ा जाएगा, जहां पाटीदार नाराज हैं, इसका एक संकेत इस बात से भी मिलता है कि बीजेपी के एक पाटीदार एमएलए ने यह कहा कि चूंकि हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं, इसलिए मैंने तो क्रॉस वोटिंग किया है, जो केशु भाई की पार्टी से बीजेपी में अब टेक्निकली शामिल हो गए थे। तो पाटीदारों का सवाल, दलितों का सवाल और एक अहमद पटेल जो लो प्रोफाइल कम बोलने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे, दूसरी तरफ अमित शाह जैसे दबंग उभरते हुए नेता, जिनको अमित शाह को एक बार अहमद पटेल ने एक वक्त बहुत तंग किया था, ये अमित शाह का बदला लेने का वक्त था, उस बदला लेने में वो चूके हैं, तो अहमद पटेल भी इस बात में चूके हैं, उनकी पार्टी भी इस बात में चूकी है कि गुजरात जहां शायद उनके लिए अच्छी जमीन है, दलितों की नाराजगी के कारण, पाटीदारों की नाराजगी के कारण, इसीलिए आने वाला जो मुकाबला है उसमें थोड़ा सा एक गर्मजोशी आ गई है, चर्चा आ गई है। ये चुनाव अदरवाइज बहुत बोरिंग होता, अब हम इस चुनाव को बहुत नज़दीक से देखेंगे, इसमें लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ेगी। राजनीति में घटनाक्रम यूं ही आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन गुजरात का चुनाव अब थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा।
ब्रेकिंग व्यूज को क्विंट के यूट्यूब चैनल पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।